हेलो दोस्तों, MRSC टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्रेसर का ग्राउंड कैसे चेक करते हैं, अगर हमारा कंप्रेसर ख़राब हो गया है तो कैसे हम फाइंड आउट करें। तो आज हमारे पास दो कंप्रेसर है, एक नया कंप्रेसर भी है और एक पुराना कंप्रेसर जो रिप्लेस कर रहे हैं कंप्रेसर को, वो कंप्रेसर को भी चेक करके दिखाएंगे। और ये हमारा जो पुराना कंप्रेसर जिसको हम हटाए हैं, इसका क्या प्रॉब्लम हो गया था ये भी हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम क्लेम मीटर से कैसे चेक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ये हम आपको पूरा बताते हैं। हाँ दोस्तों, तभी हम क्लेम मीटर को क्या करेंगे कि इसको हम कंटिन्यूटी सेट में सेट कर लेंगे, कंटिन्यूटी पॉइंट में। ये देखिए, यहाँ पे ये ज़ीरो में है, अभी ये बीप का साउंड आ रहा है। तो ये हमारा तीनों टर्मिनल में जो है ना, आपस में कंटिन्यूटी बनना चाहिए, क्योंकि वो अंदर में सब शॉर्ट किया रहता है, तो ये तीनों आपस में कुछ पॉइंट आना चाहिए रीडिंग। ये देखिए, ये पॉइंट तो आ रहा है, कंटिन्यू बीप का साउंड आ रहा है, कुछ रीडिंग भी शो कर रहा है 37.45 ऐसा। ये देखिए, इसके साथ हमारा नहीं आ रहा है, मतलब ये कंटिन्यू नहीं आ रहा है, रीडिंग सिर्फ शो हो रहा है, कंटिन्यू नहीं आ रहा है। इसके साथ भी देखिए नहीं हो रहा है, तो लगता है कि ये वाइंडिंग हमारा प्रॉब्लम है। ये दो वाइंडिंग तो हमारा आपस में कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी आ रहा है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते थे, ये हमारा कंप्रेसर हम खुद से जान लिए कि यहाँ पर ख़राब है। लेकिन अब ग्राउंड भी हम चेक कर लेंगे। तो ग्राउंड के लिए क्या करेंगे, इस पर देखिए कवरिंग किया हुआ है, पेंट मारा हुआ है, तो इस पर नहीं बताएगा डायरेक्ट, क्यों इधर भी कंटिन्यू नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर टेस्टर से थोड़ा सा इसको ये कर लिए हैं, ऊपर में यहाँ पर थोड़ा सा हम टेस्टर से स्केच कर लेंगे। ओके, ये देखिए आपस में बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, फिर भी देखिए हमारा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मतलब हमारा कंप्रेसर ठीक नहीं है। ये अगर माइनर ग्राउंड रहेगा ना, थोड़ा सा ग्राउंड रहेगा, तो आपको जो है इस तरह से कंटिन्यू का साउंड, बीप का साउंड नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए अब हमको कंटिन्यू को हटा करके ओम्स में सिर्फ रखना होगा। तो एक बार हम कंटिन्यू को हटा दिए, अब ओम्स में भी कोई रीडिंग यहाँ नहीं शो करना चाहिए, नया में भी हम आपको करके दिखाएंगे। ये देखिए, लेकिन यहाँ पर हमारा देखिए कुछ रीडिंग शो कर रहा है, 2.645 कुछ रीडिंग शो कर रहा है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं वाइंडिंग टच है, जिसके चलते शो कर रहा है, हमारा मेन DB स्विच जो है ट्रिप कर जा रहा था। तो इस तरह से आप, तो ये हमारा कंप्रेसर ग्राउंड है, कंप्रेसर ख़राब है। अब हम देखिए आपको नया वाला चेक करके दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये देखिए अब हमारा ये नया कंप्रेसर है, ऑलरेडी ये नया कंप्रेसर को फिक्स किए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना, अभी ख़राब कंप्रेसर को हटा करके नए कंप्रेसर को फिक्स किए हैं। तो इसका हम आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखा दे रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका पे कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ग्राउंड कैसे इसको चेक करेंगे ये आप देख लीजिए। ये हम अपना क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी में सेट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर तीन आपको टर्मिनल दिख रहा है, कंटिन्यू आना चाहिए इसमें। ये देखिए आपस में कंटिन्यू आ रहा है, इसमें कुछ पॉइंट भी आता है, 3.4.6 ऐसा कुछ समथिंग आ रहा है, जो आप धूप है नहीं दिख पाएगा। और देखिए इसमें भी आपका जो लगाने के बाद कंटिन्यू बता रहा है, फिर इसमें टच करेंगे, इसमें भी कंटिन्यू बता रहा है, मतलब ये आपस में टर्मिनल सही है। अब हम ग्राउंड चेक कर लेते हैं। देखिए ये एक पाइप ले लिए हम, यहाँ से ग्राउंड जब चेक कर रहे हैं तो इसमें नहीं आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ हम टच करेंगे तो आएगा। ओके, साउंड बीप का साउंड आ रहा है, इससे चेक कर लेते हैं, नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको मेगा ओम्स में भी चेक कर लेते हैं हल्का। ये अब हम देखिए इसको मेगा ओम्स में कर लिए हैं, तो मेगा ओम्स में वो बीप का साउंड नहीं आएगा, अगर थोड़ा भी रहेगा ग्राउंड तो वो रीडिंग में आएगा, लेकिन मेगा ओम्स में भी रीडिंग में हमारा नहीं आ रहा, देखिए जीरो पे रुका हुआ है। इसमें भी चेक करने के बाद भी जीरो पर रुका हुआ है, ठीक है, इससे भी जीरो पर रुका हुआ है, ठीक है। कंटिन्यू में भी अगर ग्राउंड रहेगा तो कंटिन्यू भी आना चाहिए। अब उसी तरह से आपस में जब आप टर्मिनल चेक करेंगे तो इसमें रीडिंग आएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट है ना हमारा, ये हमारा कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा, ये हमारा रीडिंग शो कर रहा है, से भी रीडिंग शो करेगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपस में तीनों टर्मिनल ज्वाइंट है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो क्लियर
समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया अच्छा से, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, और हमारे वीडियो पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में दूसरे वीडियो के साथ।